बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टेक्निकल सपोर्ट को। मैं आपके लिए ऐसे ही जरूरी वीडियोस को लाते रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल टेक्निकल सपोर्ट में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपन किस तरह अपनी इमेज को एक तय रिजोल्यूशन में रिसाइज कर सकते हैं। दोस्तों, तो अक्सर दोस्तों क्या होता है कि आपको जरूरत पड़ती है जब आप अपने किसी वेबसाइट में अप्लाई कर रहे रहते हैं किसी जॉब के लिए, या फिर किसी कारण से आपको वेबसाइट में या फिर किसी एप्लीकेशन में पूछा जाता है कि भाई अपने को ये रिजोल्यूशन में इमेज चाहिए, हम सपोर्ट करते हैं, इस रिजोल्यूशन के बियॉन्ड हम नहीं ले पाते हैं, आप नहीं अपलोड कर पाते दोस्तों। तो तब आपको जरूरत पड़ती है कि उस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन में आपकी जो भी इमेज है तो उसको कन्वर्ट करें दोस्तों, और फिर बाद में अपलोड करें ताकि उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो और अपलोड फाइल हो सके, ताकि आप अपना काम कर सके दोस्तों। तो कई लोगों को देखा है दोस्तों कि उनको ये काम भी नहीं आता इजिली, तो फिर वो लोग साइबर कैफे में जाके पैसों की दोस्तों एक तरह से बर्बादी करते हैं, 10 10 12 12 हर इमेज के देते हैं। तो दोस्तों कि ये काफी आसान काम है दोस्तों, तो ये आप घर बैठे भी कर सकते हो। तो मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ, इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं दोस्तों, या फिर किसी भी वेबसाइट में भी जाके कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ना कोई लंबी एकदम प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है कि आप अपना दिमाग को दोस्तों खराब करो। घर बैठे भी एकदम इजिली कर सकते हो, ये जो फीचर है आपके विंडोज में ही, विंडोज कंप्यूटर में ही इनबिल्ट है दोस्तों। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए दोस्तों इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं। समझने के लिए आसानी हो इसलिए मैंने दो पिक्स को अपने ये फोटोज फोल्डर में डाल दिए हैं दोस्तों, ये इस तरह डिक्स में डाल दिए हैं एकदम ओपन सोर्स में। तो अपन ये जो फर्स्ट इमेज है दोस्तों ये पपीज की, तो वो ओपन करेंगे। तो ओपन करने से पहले स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों, तो ये पिक का जो स्पेसिफिकेशन है वो 1600x1200 है, ठीक है दोस्तों। तो ये पिक्सल है, अगर पिक्सल आपको नहीं पता है तो मैं सिंपल से भाषा में आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे तीन पपीज है, जिस तरह मैं एकदम जूम करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों दोस्तों कि आपको ये स्क्वायर फॉर्म में ये दिख रहे होंगे यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह चित्र। तो दोस्तों ये जो स्क्वायर फॉर्म में जो धूमिल हो जाते, एकदम पिक्सलेट हो जाती है स्क्वायर फॉर्म, इसको पिक्सल बोलते हैं। ये पिक्सल ये एकदम छोटा साइज रहता है दोस्तों, जिस तरह अपना शरीर कहते हैं कि छोटे छोटे अणु से बना है, एटम से बना है, तो एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो उसी तरह दोस्तों, तो ये जो डिजिटल फोटोग्राफी रहती है या फिर कोई भी डिजिटल इमेज, तो उसमें जो पिक्सल रहता है जो स्क्वायर फॉर्म में रहता है, तो वो एकदम टाइनी डॉट रहता है, तो वो एकदम बेसिक और फंडामेंटल डॉट रहता है। कोई भी इमेज दोस्तों रहती है तो वो इन्हीं पिक्सल से ही बनती है। तो अगर अब हम बात करें दोस्तों कि इस इमेज की, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1600x1200, तो यानी कि दोस्तों यही अर्थ हुआ कि इसकी जो बड़ी साइज है तो वो 1600 हुई, ठीक है। 1600 यानी क्या दोस्तों, कि जो बड़ी साइज है तो वो बड़ी साइज में इस तरह के 1600 जो पिक्सल से वो समाये हुए हैं, ठीक है। यहां से इस तरह 1600 1600 पूरे हर जगह 1600 पिक्सल, और जो छोटी साइड है दोस्तों, तो वहां पे जिस तरह लिखा है 1200, तो ये यहां से लेके यहां तक की साइज छोटी है, तो यहां 1200 पिक्सल समाए। तो इस इमेज का पूरा आपको रेजोल्यूशन लेना है तो 600x1200 करेंगे, तो जितने भी रेजोल्यूशन बैठते हैं तो वो सब आ जाएंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों, तो अपन किस अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इस जो पिक्चर है तो उसको रिसाइज करते हैं। तो दोस्तों रिसाइज करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपके विंडोज में ही ये इनबिल्ट सिस्टम है, तो राइट क्लिक कीजिए दोस्तों, तो यहां पे ओपन विथ का ऑप्शन आता है, तो ओपन विथ में होवर कीजिए अपना ये माउस होवर, यानी कि इस तरह बनाए रखिए, तो ये ऑप्शन आएगा, या फिर ये एरो में जाइए, पेंट में जाइए। तो पेंट में दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह की नई विंडो ओपन होगी, देखिए इस तरह बड़ी भी हो सकती है। तो आपको करना क्या है, कंट्रोल और स्क्रॉल व्हील को इस तरह ऊपर नीचे करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट होगा। अगर नहीं पता है दोस्तों, नए हैं, तो यहाँ पे जूम इन जूम आउट करके भी देख सकते हैं। तो आप इस तरह अपने नॉर्मल साइज में ये जो स्क्रीन में फिट बैठता है तो उस साइज में रहने दे, और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए रोलर कर दे टिक, ग्राइंडर कर दे, और आपको जैसा लगे स्टेटस बार कर देंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 1600x1200 की ये इमेज है, मैंने बता चुका हूँ कि कहाँ पे ज़्यादा पिक्सल होंगे, कहाँ पे कम होंगे, ये आपको जज करना रहता है। तो कौन से भी पिक्चर की कम साइज होगी तो ऑब्वियसली कम पिक्सल होंगे, और ज्यादा साइज होगी तो ज्यादा पिक्सल होंगे, मैं बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इस जो भी पिक्चर है समझ लीजिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, कि इस पिक्चर को मुझे करीबन करीब 500, समझिए दोस्तों कि मैं अंदाजे लेता हूँ कि मुझे इस जो भी पिक्सल है उसको 800x600 पिक्सल इस तरह में रिसाइज करना है, और रिसाइज करते समय दोस्तों मुझे डॉग की फोटो आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह मैं रिसाइज करूंगा, तो सबसे पहले सिलेक्ट में जाऊंगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन में लूंगा, यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि मुझे 600 तक करना है,
तो ये 200 तक लूंगा तो ये 600 तक करेंगे दोस्तों, तो 800 तक ऑब्वियसली होगा। तो नीचे देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो बढ़ रहा है पिक्सल, देखिए अभी करंटली 567 इंटू 23 पिक्सल है। तो ये हॉरिजॉन्टल पिक्सल इंटू वर्टिकल पिक्सल है। अभी मैं ऊपर नीचे नहीं कर, देखिए ऊपर नीचे करूंगा तो वर्टिकल पिक्सल आगे ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, समझ लिख ले मैं और फिर से स्टार्टिंग से करता हूँ। तो ये देखते हैं दोस्तों यहाँ पे जीरो, यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 0 बताएगा, जिस तरह अभी मैंने क्रॉप नहीं किया दोस्तों, मैं फिर से कर देता। ये देखिए दोस्तों कि यहाँ पे 0 0 रहेगा, यहाँ से अगर इस तरह बढ़ाऊंगा तो ये ज्यादातर हॉरिजॉन्टल पिक्सल बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, और नीचे जाऊंगा तो वर्टिकल पिक्सल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, वर्टिकल पिक्सल ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। और हॉरिजॉन्टल पिक्सल में मेरा हाथ हिल रहा है दोस्तों, इसलिए हॉरिजॉन्टल भी थोड़ा घूम रहा है पर कम घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे समझ में आ गया होगा, आपको आइडिया आ गई होगी दोस्तों, आप अगर यूज करेंगे तो आपको बराबर आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो चले अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते। तो समझिए दोस्तों कि मुझे इस पिक्चर को 800 बाय 600 इस पिक्सल में कट करना है। ठीक है, मुझे एक पर्टिकुलर साइट में रिक्वायरमेंट है कि यह फोटो को कट करना है। तो ठीक है, देखते हैं कि पहले कितने तक फिट होता है, आप अंदाजे भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं दोस्तों कि यहीं से कि मैं एक अंदाजे लगाने के लिए पहले यहां से करता हूं। तो ये देखिए मेरे पिक्सल, तो मेरे 800 पिक्सल तक मुझे जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका जो, हाँ 800 तक मैं जाऊंगा तो 799 पिक्सल। ऐसा नहीं दोस्तों कि अगर एग्जैक्टली नहीं आता होगा तो थोड़ा आसपास कीजिए, पर कम कीजिए थोड़ा। ठीक है, क्योंकि जो भी अपलोडिंग पिक्चर रहते हैं, अपलोडिंग वेबसाइट, तो वो थोड़ा उस थोड़ा नज़दीक भी अपलोड में कर लेते हैं दोस्तों ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए थोड़ा सा कम रखिए, थोड़ा ज़्यादा मत बढ़ाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि एक आइडिया आ गई है मुझे। तो अब मैं नीचे नीचे जाता हूँ। मैंने कहा था दोस्तों कि मुझे 800 पिक्सल बाय 600 पिक्सल तक जाना है। तो देखिए इस तरह अंदाजा आ गया कि इसी के करीब तक जा सकते। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा कि इसी साइज में इन दो कुत्तों को, इन दो पपीज को बराबर एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। आप उल्टा भी, ऐसा नहीं दोस्तों कि ये यहीं पे लागू होता है, फॉरवर्ड में बैकवर्ड भी कर सकते, बराबर काउंट होता है यहां से नीचे से। ठीक है दोस्तों, तो अपन यहां से करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके ऊपर है, आप कैसे भी करें, वर्टिकल से जाए या हॉरिजॉन्टल से, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई इसमें रूल नहीं है, सिर्फ आपको उस डायमेंशन में करना है। तो देख, तो आपको याद रखिए दोस्तों कि एक वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल, अपने को 800 बाय 600 पिक्सल की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो देखिए अभी मैंने 800 को किया है और 600 पिक्सल को धीरे धीरे टारगेट की ओर बढ़ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि थोड़ा नजदीक आया, फिर भी चल सकता है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे क्रॉप नाम का एक बटन है, तो क्रॉप नाम पे क्लिक करके दोनों पपीज आ गए। वैसे मेरा अंदाजा था कि एक ही आएगा, पर दो दो आ गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फिर जब ये आया तो अपन सेव करेंगे। तो सेव करते समय दोस्तों सेव एज में जाइए। अब इस बात का ध्यान रखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, कि PNG पिक्चर में करेंगे तो इसकी थोड़ी कम साइज आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप, नहीं, उल्टा दोस्तों मैंने शायद बोल दिया, सॉरी। अगर आप JPEG यानी कि JPG पिक्चर में जाएंगे तो जो सेम पिक्सल जो भी आपने सिलेक्ट किया तो कम इसमें आएगी। हो सकता है कि JPEG में 50 KB की आए, पर PNG में हमेशा ज्यादा ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि PNG ये लॉसलेस फाइल है, तो PNG में हो सकता है कि सेम रिजोल्यूशन की जो इमेज रहती तो वो हो सकता है 150 आ जाए, 200 आ जाए, पर PNG इमेज की जब हो ज्यादा ही आएगी। तो अगर आपको ज्यादा ज्यादा स्टोरेज की पिक्चर चाहिए तो PNG में कीजिए, कम साइज की चाहिए तो JPG में कीजिए, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अभी मैं PNG इमेज में करता हूं। तो PNG इमेज में करते हैं दोस्तों, मुझे लोकेशन पूछी जाएगी तो मैं एक बार सेव करके फिर से देखता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि इसमें, देखिए दोस्तों PNG में सेव करने का यही फायदा रहता है कि जो भी आपकी क्वालिटी है ओरिजिनल उसी तरह बनी रहती है, JPG में थोड़ी बहुत लॉस होती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक तरीका है दोस्तों, रुकिए मैं आपको क्लोज करके बताता हूँ, ये काफी फायदेमंद है दोस्तों, जरूर देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करते भी यहाँ पे उसके डायमेंशन आ जाते हैं, या फिर आप होवर करेंगे अपना कुछ देर के लिए रखेंगे तो देख सकते 799 बाय 601, यानी कि अपना जो टारगेट था 800 बाय 600 उसी के क्लोज है। ठीक है, इतना चल जाता है। तो इसी तरह का था दोस्तों ये वीडियो, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे ऐसे जरूरी वीडियोज के लिए आप मेरा चैनल टेक्निकल सपोर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए जरूरी वीडियोज को लाते रहूंगा। जय हिंद दोस्तों।